in this section we are going to discuss what are the various steps of a financial planning process so when we look at the overall business sometimes we have to analyze okay we need to stay at the current position or we want to we should expand in future because day to day variation ke rase ke ho sakta मार्केट में बेच रहे हैं उसके डिमांड में कमी हो गई है या उसमें इंक्रीज़ आ गया है तो आपने हो सकता है या यू आर इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इन टू अ न्यू बिज़नेस या आप इसी करंट बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो इस पूरे तरह के सिचुएशन को फाइनेंशली फाइनेंशली स्ट्रांग बनाने के लिए या फाइनेंशियली इसको कवर करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल प्लान को बनाने के लिए एक देर इज़ अ सर्टन प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी फॉलोड सो इफ़ वी लुक एट द वेरियस एस्पेक्ट्स के ये अहम नुकात हैं जिनको कंसिडर करके हम कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वी कैन स्प्लिट दिस प्रोसेस इंटू सिक्स स्टेप्स सिक्स स्टेप्स का मतलब है कि सबसे पहले आपने अंदाज़ा लगाना है कि अभी मेरा फाइनेंशियल पोजिशन क्या है और मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं आपको कितना एक्स्ट्रा मनी चाहिए कमिंग ईयर में नेक्स्ट टू इयर्स में अगले पाँच साल में जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने फॉर्म के लिए बनाए हैं उनको मीट करने के वास्ते या आपने उसी सर्टन लेवल के ऊपर मेंटेन करना है तो अगैन यू नीड मनी टू मेंटेन अ सर्टन लेवल ऑफ़ प्रोडक्शन और या आपने कोई वेरिएंट्स निकालने हैं अपने प्रोडक्ट के जैसे नए वर्जनस आते हैं तो उसके लिए आपको आर एन डी लगाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक से, सेक्शन बनाना पड़ेगा उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे या आपने कहा हमारे सेल्स डिप हो रहे हैं तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मार्केटिंग के ऊपर कोई एक्सपेंसिस लगाने हैं या इसके अंदर कोई कम्पोजिशन बदलना है मेरे प्रोडक्ट का ताकि इसके सेल्स डिप नहीं हों इनके सेल्स को हम रिवाइव कर सकें तो ये तमाम तर डिशनस के लिए आपको पैसे चाहिए और पैसों को कितना किस वक़्त कैसे पैसे चाहिए और किन किन हेड्स के ऊपर आपने पैसे खर्च करने हैं उसके लिए हमें फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने ये डिफरेंट तरह के गोल्स डिफ़ाइन किए गोल्स को अचीव करने के लिए देर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिवस के कोई भी एक सर्टन मकसद को हासिल करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप खुद के पैसे इस्तेमाल करके फलां तरीका का एक काम कर सकते हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपने जो खुद की जो सेविंग्स हैं फॉर एग्जांपल किसी भी बिज़नेस की वो लगानी है या आपने लोन लोन लेना है बोरोइंग करनी है तो इस तरह के ये तमाम डिसीशन आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के फॉर्म में पड़े हुए होंगे आपने फिर तमाम ऑल्टरनेटिवस को पहले तो अकाउंट फॉर करना है फिर आप इवेलुएट करते हो तो एवेलुएट करने के बाद फिर आप फैसला करते हो कि हमें इनमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है एंड हाउ

Uh, तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन बैंकस ने फॉर एग्ज़ाम्पल रिवाइज़ कर दिए हैं या कुछ भी इस किस्म की चीज़ें तो आप उसको रीवैल्युट कर सकें अपने प्रोसेस को और उसको आप फैसला कर सकें कि अभी जो जो चेंज सिचुएशन है इसमें मुझे कैसे अपने फ़ैसले करने हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के साथ तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा जो प्रोसेस है इसको हम डी कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं छः स्टेप्स में सबसे पहले आपने अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है एनालाइज करना है इसका मतलब है आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या है आपके सेविंग्स कितने हैं आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने हैं और आपने क्या डेट्स आपके क्या हैं और उसके हिसाब से आपने जो भी आगे डिसीजन लेना है वो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी द नेक्स्ट द सेकेंड स्टेप इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द गोल्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेनटेन कि आपके पास सपोज़ मार्केट शेयर है टोटल मार्केट का टोटल ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी परसेंट मार्केट शेयर है तो आपको आपका ये गोल है कि आप इस ट्वेंटी परसेंट मार्केट शेयर को रिटेन करना चाहते हैं तो इस रिटेंशन के लिए आपको किस किस किस्म के एक्सपेंसिस चाहिए आपको कितना नई टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले कोई एक्सपर्ट्स चाहिए अपने स्टाफ के अंदर और आपको कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए या क्या तरह के आपको रिसोर्स uh, के लिए अवेलेबलिटी होनी चाहिए और जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लें तो देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें इनके लिए इनके ऊपर कितने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे तो यू विल हैव टू कंसीडर के व्हाट आर द वेरियस गोल्स विच यू आर गोइंग टू अचीव इन वन ईयर इन टू ईयर इन फाइव ईयरस द गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म द गोल्स कैन बी मीडियम टर्म गोल्स कैन बी लॉन्ग टर्म और उसको उनको आपने आइडेंटिफाई किया उनको ब्रेन स्टॉमिंग की क्रिटिकल थिंकिंग की बोला ये देर कुड भी मल्टीपल आइडियाज विच यू कैन विच यू कैन कम अक्रॉस बट इवेंचुअली यू हैव टू एनलिस्ट के स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में हम ये गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द गोल्स नेक्स्ट थिंग इज अब उन गोल्स को हम अचीव कैसे करेंगे उनके लिए कितना पैसा दरकार है वो पैसा कहाँ से आएगा और उसके जब पैसा आप कोई भी इकट्ठा करके उन गोल्स को अचीव करने वाले वाले हैं तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट क्या आएगी तो यू विल हैव टू कंसिडर द वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विच यू कैन हैव इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स वंस यू हैव एन द वेरियस ऑल्टरनेटिवस के इन तरह के रिसोर्सेज से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट आपने उन जो आल्टरनेटिवस आपने लिए हैं उनको इवैल्यूएट करना क्योंकि सम ऑफ द ऑप्शनस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव सम कैन नॉट बी डूएबल सम ऑफ़ द ऑप्शनस में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए या अगेन सपोज़ हुकूमत ने मॉनिटरी पॉलिसी रिवाइज़ कर दी है और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है स्ट्रिक्ट कर दिया है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज कर कर जाएगी और हो सकता है कि जो डिफ़रेंट ऑल्टरनेटिवस आपको शुरू में लग रहे थे कि हम इस तरह से इतने पैसे फलां जगह से बोरो कर लेंगे फलां बैंक से ले लेंगे या कोई फंडिंग इंस्टीट्यूशन से ले लेंगे तो हो सकता है कि विद द रिविजन ऑफ दिस पॉलिसीज़ वो चीज़ आपको उतनी एफिशिएंटली या एफिशिएंट या इकोनॉमिकल नहीं लगे अभी तो हमें ऑल्टरनेटिवस को इवेल्यूट करना है और फिर वही ऑल्टरनेटिवस को चूज़ करना है जो कि आपको सूटेबल लग रहे हैं उनको लेने के बाद आपने अगैन देर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एसोसिएटेड विद ऑल दिज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीशन मेकिंग दैट इज़ द रिस्क फैक्टर तो जब आप बोरो कर रहे हो या आप ख़ुद का मनी इस्तेमाल कर रहे हो या जो भी आप चूँकि इसमें फाइनेंसिस इन्वॉल्व है इसका मतलब है वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है सो वेन वी आर गोइंग टू कंसिडर और इवेलुएट डिफरेंट ऑल्टेटिवस फंडिंग ऑपरचुनिटीज़ या इस किस्म की तमाम डिसीशन मेकिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत की फैक्टर है कि यू विल हैव टू इवेलुएट द रिस्क एसोसिएट विध डिफरेंट ऑल्टरनेटिवस और हमेशा जब हम इवेलुएट करेंगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिवस को तो उसमें हम रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं और ये फर्म डिसाइड करती है या उसके फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल प्लानर्स डिसाइड करते हैं कि किस हद हाँ तक का रिस्क इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर लेने के मतहमल हो सकती है आपकी कंपनी उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं नेक्स्ट इज आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स आप अपना एक फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करते हैं सो so, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उसमें ये तमाम कंसिडरेशंस तो लेनी है कि लेकिन साथ ही में वी नीड टू मेक इट श्योर कि उसमें फ्लेक्सीबिलिटी होना चाहिए बिकॉज इफ़ यू आर इवन इफ़ यू आर मेकिंग अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान थिंग्स आर नॉट हंड्रेड परसेंट थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल देर मे बी सम इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन कीमतें बढ़ गई हैं उसकी वजह से या कोई भी और मार्केट में सिनारी बदल गया है कोई नया टेक्नोलॉजी आया आपका कंपटीटर कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया आपके सेल्स एकदम मार्केट में से नीचे जा सकते हैं तो ये तमाम चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ता है और इसको कंसीडर करने के वास्ते क्या है कि जो आप फाइनेंशियल प्लान का डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उसमें आपने फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है कि जिसमें कोई भी आ, कोई भी किसी की तब्दीली आएगी तो आप उसको उसके हेड्स को बदल सकते हैं उसके हेड्स को रिवाइज़ कर सकते हैं सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स नेक्स्ट वी नीड टू लुक आउट के हमें इसको जो हमने प्लान बनाया है कागज़ का एक टुकड़ा है इसके अंदर आपको वजाहत करनी पड़ती है कि आप किन स्टेप से किन मायर से इस फाइनेंशियल प्लान को एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो वो पूरा जो प्लान है जिसमें आपने मैयर्स लिखे होते हैं कि ये तरीके हैं जिनसे हम अपने फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन प्लान तो फाइनेंशियल प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि एक्शन प्लान है एक्शन प्लान में आपने वो तमाम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और तमाम ऑब्जेक्टिव्स पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं फिर आपने जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि ये ये काम करेंगे तो हमारी ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगी और इवेंचुअली दिस इज़ वॉट द मेन गोल इज़ फाइन उनको गोल्स के साथ कनेक्ट करना है आपने तो आपका एक्शन प्लान डिफाइन होगा फिर उस एक्शन प्लान को मैच करना है आपने अपने गोल्स के साथ जो आपने शुरू में बनाए थे और कि ये 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 काम उन गोल्स के साथ किस तरह से एसोसिएटेड हैं नेक्स्ट फिर आप गोल्स को जब आप एक्शन प्लान बना दिया गोल्स के साथ लिंकअप कर दिया है तो फिर आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया है कि ये चार काम हमने करने हैं और इन चा चार कामों को करने के लिए हमें ये ये स्टेप्स दरकार हैं ये ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमें लेके आने पड़ेंगे लेकिन सबसे पहले इन चार कामों में से कौन सा होगा दूसरे नंबर पे आपने कौन सा काम करना है तीसरे नंबर पे आपने कौन सा काम करना है तो आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ते हैं अपने गोल्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच वर विच आर इन इन दिन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट कॉम्पिटिशन आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसके मुताबिक आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा प्रायोरिटाइज करने के साथ ही वे गैन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कंसल्ट अदर्स कि आपके पास कोई एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि जिनसे आप मशवरा कर सकते हो कि दिस इज़ हाउ आई हैव प्रायोरिटाइज प्राय। ये मेरा एक्शन प्लान है तो आप इसके ऊपर एक सेकेंड थाट दे दें सेकेंड ओपिनियन दे दें दे। लेकिन वी नीड टू मेक इट श्योर कि जिससे आप डिस्कस करें आपके आइडियाज़ आपके जो गोल्स हैं आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो कहीं लीकआउट ना हो जाए सो वी नीड टू मेक इट श्योर ये वी कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल चूँकि डॉक्यूमेंट है तो आप सिर्फ जो काफ़ी जो एतबार के लोग हैं ट्रस्ट वर्दी लोग हैं आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उन्हीं से ही आप ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और ट्रस्ट वर्दी लोग भी हो सकते हैं कि आपने बोला कि हमें रिस्क को प्रोटेक्ट से रिस्क को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आप इंश्योरेंस एजेंट से जाके डिस्कशन कर लेंगे कि ये एस्पेक्ट्स है बिकॉज उनका एरिया होता है इंश्योरेंस तो उन्होंने बहुत से रिस्क असेसमेंट्स किए होते हैं तो दे कैन गाइड यू कि आपने फ़ला तरह की एस्पेक्ट को वेटेज कम दी है फ़लाँ तरह की एस्पेक्ट को वेटेज ज़्यादा दे दी है अभी करंट ट्रेंड्स के मुताबिक करंट सिनारीयों के मुताबिक हमें फ़लाँ फ़लाँ बातों को भी कंसिडर करना चाहिए जो आपने नहीं किए तो इंश्योरेंस एजेंट कैन गाइड यू अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ताकि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो बेहतर हो ज़्यादा बेहतर तौर पे एक्शनेबल हो और जो ऑब्जेक्टिव आप उसके थ्रू मीट करना चाह रहे हैं वो मीट कर कर रहा करने के लिए आपको हेल्प करे दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सपर्ट आपके पास हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स चूँकि अगैन वो डेटा को एनालाइज़ करते हैं मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनको उनकी नज़र होती है उनके ऊपर और दे कैन ऑल्सो गाइड यू कि आपने आपको ऐसे करना चाहिए आपको वैसे करना चाहिए सो तो आप उनकी ओपिनियन लेके अपने फाइनेंशियल प्लान को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और आखिरी पॉइंट क्या है कि हमेशा वी नीड टू मेक इश्योर कि जो भी फाइनेंशियल प्लान आप बनाएं, इट शुड हैव अ स्पेस ऑफ री इवेलुएशन एंड रिविजन के जैसे ही आपने हो सकता है कि छः माह गुजरने के बाद थिंग्स तो में चेंज योर प्रायोरिटीज कैन चेंज द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन कैन चेंज तो उसमें आप फॉरन डिफरेंट हेड्स को री इवेल्युएट करें रीसेसमेंट कर सकें या रिवाइज कर सकें तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को का को ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ेगा एंड दिस इज़ हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फाइनेंशियल प्लान जिसमें आप स्टेप बाई स्टेप चलेंगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू नाइसली डेवेलपड लोगों से मशवरा करेंगे तो आपको एक्सटर्नल ओपिनियन भी मिल जाएगी और आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगैन इट बिकम्स ईजी अगर डॉक्यूमेंटिड है पूरी चीज़ तो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू हैव अ फाइनेंशियल प्लान जो कि बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ और बाकी तमाम चीज़ों को जो रिलेटिव फैक्टर्स हैं रिलेटिव इंफॉर्मेशन है उनको कंसिडर करके बनाया हो आपके गोल्स सेट हों आपको पता हो ये प्रायोरिटी वाइज़ हमने अपने गोल्स अचीव करने हैं इनके लिए इस इतना पैसा दरकार होगा ये पैसा कहाँ से आएगा इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी और इनको हमने किस किस्म किस तरीक़ों से किन मायर से उस कॉस्ट को हमने बियर करना है या वो वाले पैसे रेवेन्यू किधर से जनरेट होगी जिससे हम ये एडिशनल कॉस्ट को पे करेंगे या बियर करेंगे